ये रहा इंजीर। वेरी गुड आफ्टरनून गाइस, हमारा ऑफिस का टाइम अभी ख़त्म हो चुका है। जस्ट नाउ वी हैव क्लोज अवर ऑफिस। आज हमने प्लान किया है इन लॉज की तरफ जाने का, वहाँ पर थोड़ा सा टाइम गुजारेंगे। इस वक्त एग्जैक्ट सुपहर के 4 बजे हैं, अभी हम निकले हैं। So guys, we just reached to the in-laws house. As green as usual. Usually आपको हम तरह तरह के खाने जैसे कि दिखाते थे पिछले सर्दियों में उसी घर में बनाते थे। जब भी हम इन लॉज की तरफ आते हैं तो हमारे बच्चे बड़े खुश होते हैं, इनको ये घर अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ थोड़ी सी खुली जगह है, सहन भी है। तो अभी अंजुम अली यहाँ आया है, ये बड़ा खुश है इधर आके, और जब भी ये इस घर में आता है अंजुम अली बहुत खुश होता है। सो गाइस, ये रहा इंजीर जो कि बहुत ही मीठा है। जो चेरी का दरख्त है, अभी चेरी ख़त्म हो चुके हैं और ये खुबानी, खुबानी का भी सीज़न ऑफ हो चुका है। इस वक्त जो सितंबर का जो महीना है उसमें फ़िलहाल जो फ्रूट तैयार है वो अंगूर है। और ये देखिएगा, ये दरख्त है अंगूर का और ये है इंजीर का दरख्त जो अभी आपको दिखाया हमने। तो यहाँ से तोड़ के हमने इंजीर खाया और बाय द वे बड़ा मीठा था इंजीर। यहाँ इस घर के सहन में आपको छोटा सा, अगर जो छोटा सहन है, लेकिन आपको 5-6 टाइप्स के फ्रूट्स आपको अवेलेबल होंगे और सब्जियां भी यहां पर आपको नज़र आएंगी। यहां पर सब्जियां यहां पर उगाई गई हैं और ये देखें, ये हरी मिर्च अभी तैयार हो गई है और उसके साथ साथ ये यहां पर, यहां बैंगन भी काश्त किया गया है, यहां खीरा भी उगाया गया है, लेकिन फ़िलहाल अभी कोई खीरा मुझे नज़र नहीं आ रहा। वो ये देखें टमाटर, यहाँ टमाटर भी उगाए गए हैं और थोड़े से तैयार हैं, लेकिन ज़्यादातर टमाटर इस वक्त कच्चे हैं। सो गाइस, अभी चाय तैयार है तो हम चाय वाय पी लेंगे। हम चाय पीने बैठे हैं। वैसे मोस्टली इस हमारे इस नगर वैली में, इस इलाके में, गिलगित बल्तिस्तान में चाय अमूमन नमकीन पी जाती है, और नमकीन चाय के साथ जो स्पेशल रोटी है, ये वाली रोटी यहाँ खाई जाती है। मोस्टली नाश्ते में ये रोटी बनाई जाती है। ये रहा खेत और यहाँ देखें मुख्तलिफ किस्म की सब्जियाँ उगाई गई हैं।
ये फूल गोभी जो कि अभी तैयार है, ये टमाटर और ये देखें मिर्चे, ये साग, खीरा, काफ़ी कोशिश के बाद इस क्यारी में हमें एक खीरा मिला। तो इनिशियली ये ग्रीन होता है लेकिन जब ये पकने के करीब होता है तो इसका कलर चेंज होता है। जबरदस्त, हमने खाना चढ़ा दिया है। ये जो मैनुअल हमारा चूल्हा है इसमें थोड़ी सी फॉल्ट है, ये पुराना होने की वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई लेकिन फिर भी हमने कोशिश करके खाना चढ़ा दिया है। तो इंशाल्लाह ये कोई 15-20 मिनट में खाना तैयार होगा। हमने गोश्त इसमें चढ़ा दिया है और चावल हम अलग बॉयल करेंगे। इंशाल्लाह आज का जो खाना है बड़ा अच्छा बनेगा। आखिर हमारा खाना हो गया रेडी। काफ़ी टाइम लगा और हमारा जो मैनुअल चूल्हा था उसमें थोड़ा सा उसमें ख़राबी थी, उसको सेटअप करके खाना बनाने तक थोड़ा सा टाइम लगा। सो फार सो गुड। Perfect. So guys, we have done the food. The food was good. मज़ा आया। So guys, this is the end of the video. मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आप नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। See you in the next video. Till then, Allah Hafiz.